टू एवरीबडी, स्वागत है आप सब लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल वी ट्यूब लाइब्रेरी पर। दोस्तों फिर से लेके आया हूँ मैं करंट अफेयर्स आप सब लोगों के लिए। कोशिश करूँगा 5 मिनट के अंदर अंदर इसको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ ख़त्म करूँ और इसी के साथ मैं वीडियो को शुरू करूँगा बिना टाइम वेस्ट किए। ये दोस्तों ICMR और भारत बायोटेक के बीच में एक पार्टनरशिप साइन हुई है दोस्तों। तो उस पार्टनरशिप के तहत ये लोग क्या करेंगे, दोनों मिलके इंडिजीनियस COVID-19 वैक्सीन बनाएंगे दोस्तों। कोरोना की वैक्सीन को ये दोनों मिलके बनाएंगे, ICMR एंड भारत बायोटेक। ये ICMR दोस्तों इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है, फुल फॉर्म इसके देखेंगे तो आपकी ICMR की इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। ये हमारी दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है ये वाली। और उसके बाद दोस्तों भारत बायोटेक जो है BBIL भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है दोस्तों। ये मनाया जाता है एक्चुअली जीन हेनरी ड्यूनेंट पूरा नाम है, जीन हेनरी ड्यूनेंट है, इनके जन्मदिन के उपलक्ष में मनाया जाता है, जो कि जिनको फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर थे इन द फील्ड ऑफ शांति पीस के क्षेत्र में। ये पहले नोबेल प्राइज विनर थे, इनकी उपलक्ष में ये मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। नेक्स्ट है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी 8 मई को मनाया जाता है। इसमें सॉरी दोस्तों मैंने दिन नहीं डाला है, 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। थैलेसीमिया क्या है दोस्तों, एक एडिशनल यहाँ पे जान लो, थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवंशिक बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट के जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, पेशेंट का जो खून होता है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से उसकी जो स्किन का कलर होता है वो थोड़ा सा जैसे नॉर्मल ह्यूमन की स्किन के कलर जैसा नहीं होता है, थोड़ा सा व्हाइट हो जाता है, येलो टाइप का हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली IIT दिल्ली ने एक एनसेफ नाम का एक मास्क डेवलप किया है, जिसको आप 50 टाइम्स यूज कर सकते हो। रीयूजेबल मास्क है, आपको पता ही होगा दोस्तों स्टार्टिंग में COVID-19 ने जब दस्तक दी थी तो N95 मास्क की बहुत हाई डिमांड में गया था ये, और शुरुआत से ही ये एक्चुअली आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, तो इसके चलते कई सारे मास्क डेवलप हुए हैं। तो एक IIT दिल्ली ने भी एक एनसेफ मास्क डेवलप किया है, तो आपके फर्दर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है दोस्तों, अभी इसमें देखिए दोस्तों इंडियन स्टील इंडस्ट्री जो है अभी COVID-19 के दौर में कोकिंग कोल के लिए स्ट्रगल कर रही है, कोकिंग कोल इनको नहीं मिल रहा है एक्चुअली, और ये कोल, ये जो कोयला है इसकी बहुत जरूरत रहती है स्टील इंडस्ट्री को चलाने के लिए। तो इंडिया एंड रशिया इनके बीच में एक साइन हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके तहत क्या करेगा, इंडिया रशिया से इंपोर्ट करेगा कोकिंग कोल फॉर द इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है दोस्तों रॉब गिब्स, जो आपको फोटो में दिख रहे हैं रॉब गिब्स, ये डायरेक्टर थे जो कि पिक्सल फिल्म्स बनाते थे। पिक्सल फिल्म्स जो आपको ये फोटोज दिख रहे हैं ये इस टाइप की होती है पिक्सल फिल्म्स, तो ये बनाते थे। इनका 55 ईयर्स इनकी लाइफ रही और ये अभी रिसेंटली इनका देहांत हो गया और Washington DC में इनका देहांत हुआ। और इन्होंने कुछ मूवियाँ बनाई जिनका नाम मैं बताता हूँ दोस्तों, जैसे टॉय स्टोरी 2 है, फाइंडिंग नेमो है, मॉन्स्टर्स है, इस टाइप की मूवियाँ इन्होंने बनाई थी। काफ़ी वेटरन एक्टर थे, डायरेक्टर थे ये। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दोस्तों सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो रिटायरमेंट एज है वो 58 से एक साल एक्सटेंड करके 59 कर दी है। इसका एग्जैक्ट रीज़न अभी पता नहीं चला है कि इन्होंने ये रिटायरमेंट एज क्यों एक्सटेंड की है, लेकिन इसके पीछे ऐसा है कुछ कि एक्चुअली COVID-19 के चलते फंडिंग का प्रॉब्लम सारा है, क्योंकि रिटायरमेंट अगर किए जाएंगे पूरे स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का एक साल वालों का, तो एक्चुअली काफ़ी सारे PF और काफ़ी सारे ग्रेजुटी और काफ़ी सारे फंड सेटलमेंट करने पड़ते हैं, पेमेंट सेटलमेंट करने पड़ते हैं, इसलिए फंड की इशू आ सकती है। एक तो वो रीज़न है, दूसरा क्या है कि नई ज्वाइनिंग भी करवानी पड़ेगी, तो अभी COVID-19 के चलते ये सब पॉसिबल नहीं, इसलिए एक साल के लिए एक्सटेंड कर दी है रिटायरमेंट डेट। बट इसका कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ यूनियन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो ज्वाइनिंग है वो डिले हो रही है। नेक्स्ट दोस्तों अजिंक्य रहाणे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ELSA के। ELSA क्या है दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल कंपनी है जो इंडिया में भी वर्किंग है। ये एक ऐप के जरिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग की टेक्नोलॉजी सिखाती है। ELS फुल फॉर्म है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज स्पीक असिस्टेंट, इंग्लिश लैंग्वेज स्पीक असिस्टेंट करके ऐप के थ्रू ये आपको स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग टेक्नोलॉजी बताते हैं। तो ये इंडिया में जो है उनके ब्रांड एम्बेसडर बने अजिंक्य रहाणे। ये अजिंक्य रहाणे बाकी हमारे क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम के
वाइस कैप्टन भी हैं, ठीक है। ये दोस्तों सामने आपको एक ई टोकन दिख रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी शराब की जो बिक्री कर रही है उसमें कुछ सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पा रही, आपको पता ही होगा काफ़ी सारी भीड़ भगदड़ मची रहती है, तो ई टोकन ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा पोर्टल के थ्रू, मोबाइल में या लैपटॉप कहीं से भी आप इसको बुक कर सकते हैं। उसमें आपकी शॉप का नाम लिखा होगा, जैसे ये लिखा है किस शॉप से खरीदना है, किस डेट को आपको वैलिड है, किस डेट को और आपको किस समय जाना है, ताकि वहाँ पर आगे आपको लाइन में न लगना पड़े, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। तो काफी अच्छा ये इनिशिएटिव है, दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया है ई टोकन के थ्रू। नेक्स्ट है दोस्तों, यूपी पहला स्टेट बन गया है जिसके सारे 75 डिस्ट्रिक्ट, ये लिखा नहीं था, यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सबसे बड़ा स्टेट है ये इंडिया का, तो वही 75 डिस्ट्रिक्ट सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट में वेंटिलेटर वाले बेड इन्होंने प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो इस मामले में ये पहला स्टेट बना है यूपी। ये नेक्स्ट दोस्तों, ये भी यूपी से रिलेटेड है, यूपी ने अभी जो लेबर लॉ था उस लेबर लॉ के कुछ तीन नियम छोड़ के 3 साल के लिए उस पूरे लेबर लॉ को सस्पेंड किया है, थोड़ा स्थगित कर दिया है कि उसके कोई भी रूल काम में मतलब मानने जरूरी नहीं है, बस कोई 3 रूल हैं जिनमें कुछ इंक्लूड है कि भाई लेबर को सैलरी के लिए मना नहीं कर सकते, आप उनको जॉब से फायर नहीं कर सकते, इस टाइप के 2-1 और कुछ रूल है, ऐसे करके 3 रूल को छोड़ के बाकी सारे इन्होंने सस्पेंड किए हैं, ताकि जो इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रही है उसमें कुछ इनको राहत मिल सके। ये दिया मिर्जा है दोस्तों, इनको आप एज ए एक्ट्रेस जानते होंगे कि ये बॉलीवुड में हीरोइन है, बट ये सिर्फ हीरोइन नहीं है, ये नॉट ओनली एक्टर है, ये देखो मिस एशिया पैसिफिक है, ये प्रोड्यूसर भी है, एंटरप्रेन्योर भी हैं ये, और एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। सबसे अच्छी बात है इनको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो इसी के चलते इनको क्या अपॉइंट किया है दिया मिर्जा को यूएन गवर्नमेंट गुडविल एम्बेसडर के रूप में, यूएन एनवायरमेंट गुडविल एम्बेसडर के रूप में इनको गवर्नमेंट ने किया है अपॉइंट। नेक्स्ट है दोस्तों, ये दोस्तों टाटा स्टील ने है इंडियन स्टील एसोसिएशन की मेंबरशिप को छोड़ दिया है। एक्चुअली इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA इंडियन स्टील एसोसिएशन के सारी स्टील इंडस्ट्रीज के मेंबर हैं, जैसे टाटा स्टील थी अब नहीं है, इसने छोड़ दिया है, लेकिन अभी सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, JSW स्टील है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, इस टाइप से कई सारी इंडस्ट्रीज इसकी स्टील इंडस्ट्री इसकी मेंबर है। डॉक्टर हर्षवर्धन ये हमारे मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर, तो इन्होंने एक ऐप का लॉन्च किया है आयुष संजीवनी करके। एक्चुअली दोस्तों आयुष जो है ये पूरा एक तरह से इंटरवेंशन है, इसमें सिर्फ कभी ऐप लॉन्च हो रही है, कभी कोई स्टडी कोई रिसर्च बताया जा रहा है, कभी कुछ बताया जा रहा है, तो ये एक पूरा आयुष नाम का एक इन्वेंशन ही है पूरा। तो देखो यहाँ आप देख रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये कुछ अलग ही इन्होंने अभी किया है इसके चलते COVID-19 के चलते, तो आपको ये ध्यान रखना है आयुष पूरी तरह से। अगला है तो ADB, टॉप पे देखिए ADB क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, पहले भी आपने इसका नाम सुना होगा। इस बैंक ने बांग्लादेश को कोविड 19 में हेल्प करने के लिए उधार देने का अप्रूवल दे दिया है, $500 मिलियन की रकम बांग्लादेश को मिलेगी कोविड 19 के लिए एज ए बोरो उधार। ये दोस्तों लास्ट है दोस्तों, मैग्नस कार्लसन ये दोस्तों इन्हीं की फोटो है, इन्होंने अभी जीता है, क्या जीता है, रिचेस्ट ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट इन द हिस्ट्री, टूर्नामेंट हिस्ट्री की सबसे बड़ा जो चेस टूर्नामेंट था सबसे रिचेस्ट महंगा वो इन्होंने जीता है, और इसके तहत उनको $70,000 की विनिंग प्राइज इनको मिलने वाला है। और दूसरा दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्चुअली ये जो इवेंट था, जो टूर्नामेंट जो आयोजित हुआ था, ये टूर्नामेंट एक्चुअली इन्हीं के नाम पे इवेंट था, ये मैग्नस कार्लसन इन्वेंशनल, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने किनको हराया है, अमेरिकन हिकारू नाकामुरा इनका नाम है ये लिखा हुआ है दोस्तों, अमेरिकन हिकारू नाकामुरा इनको इन्होंने डिफेंड करके हरा के इस टूर्नामेंट को जीता है। थैंक यू दोस्तों, इतना ही था आज का वीडियो, और इसमें मैंने काफ़ी सारे करंट अफेयर्स जो 10th of May से रिलेटेड थे उनको कवर किया है, इसके साथ काफ़ी मैंने कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको देने की कोशिश की है। कोशिश करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हो सकता है शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और फिर मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट करंट अफेयर्स लेके अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।